स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का रीडेवलपमेंट किया गया है, अब इनको कर्तव्य पथ कहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को इसका उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा प्लान की घोषणा सितंबर 2019 में हुई थी। इसे डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल ने किया है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं, जिसे नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। इस योजना के तहत नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का आवास और दफ्तर बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि पूरा प्रोजेक्ट 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जिन नए भवनों का निर्माण हो रहा है वो हैं नया संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, 3 किलोमीटर लंबा राजपथ नए रूप में, नया प्रधानमंत्री आवास, नया प्रधानमंत्री कार्यालय और नया उपराष्ट्रपति एन्क्लेव। क्या क्या खास है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में? विजय चौक से इंडिया गेट तक विस्तार, रेड ग्रेनाइट से बना वॉकवे, 16 पुल और फूड स्टॉल्स की व्यवस्था, 19 एकड़ में फैली नहर के किनारे का पुनर्विकास, पार्किंग क्षेत्र में 1000 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी, इंडिया गेट के पास बसों की पार्किंग की व्यवस्था, 74 हेरिटेज और 900 से ज्यादा नए लाइट पोल्स लगाए गए हैं, 24 घंटे करीब 80 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, 3,90,000 स्क्वायर मीटर में फैला हरित क्षेत्र, हरित क्षेत्र में 4,000 से ज्यादा वृक्ष लगाए गए हैं। कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा, पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास का निर्माण और आधुनिक तकनीक से लैस CCTV कैमरे। जो इमारत इस प्रोजेक्ट के दायरे में नहीं आती हैं, वो हैं राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन और वायु भवन। खास बात यह है कि 102 साल के इतिहास में इस मार्ग का नाम 3 बार बदला गया है। ब्रिटिश राज में निर्मित इस मार्ग का पहला नाम किंग्सवे था, आजादी के बाद बदलकर राजपथ कर दिया गया और अब राजपथ कर्तव्य पथ बन चुका है।